नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर लाइफ। आइए देखते हैं क्या है न्यूज फॉर लाइफ पर आज की खास खबर। भारत में लॉकडाउन होने के बाद देखा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में समाज सेवी एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लगातार जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री, साबुन, मास्क का वितरण किया जा रहा है। कुछ इसी तरह समाज में अपनी योगदान करते दिखे सिवान के एडवोकेट बाबा कौशल अली शाह ने। इस संकट की घड़ी में एडवोकेट बाबा कौशल अली शाह ने एवं उनके सहयोगी इटवा वाले मिराज भाई ने जरूरतमंदों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के बीच भी मास्क, साबुन और हैंड वॉश जैसे सामग्री का वितरण किए। आपको बता दें कि सिवान के जीबी नगर थाना परिषद में तैनात वरीय अधिकारियों से लेकर सभी पुलिस कर्मियों को साबुन, मास्क, हैंड वॉश का वितरण किए। उन्होंने कहा कि आगे भी जो हमारे देश के इस संकट की घड़ी में अपना परिवार, अपना सब कुछ त्याग कर जनता की सेवा में लगे हुए हैं, या डॉक्टर हो या पुलिस प्रशासन, जो आम जनता की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। साबुन, हैंड वॉश और मास्क तमाम पुलिस पदाधिकारी के बीच वितरण किया गया है। कितने दिन से ये लगातार आप लोग का कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम जागरूकता अभियान हम लोग कोरोना को लेकर लगभग 10 रोज से लगातार चला रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में। क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस समय देश काफ़ी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और जिसको भी मालिक ने सहन शक्ति दिया है उसके अनुसार कुछ न कुछ जो है इसमें मदद करना चाहिए और मैं कौमी एकता का संदेश देना चाहता हूँ। थाना कर्मियों के लिए केसर केसर बाबा की तरफ से हैंड वॉश, मास्क और साबुन वितरित किया गया है पुलिस परिवार को थाना में। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो पुलिस के प्रति अपने संवेदनशीलता दिखाएं और इस दिक्कत परिस्थिति में पुलिस जिस तरह से काम कर रही है उनको वो समझें और उनके लिए भी समर्पित होकर काम करें।